आपके चैनल के माध्यम से सभी प्रांतवासियों को नमस्कार, और मैं रेवाड़ी की जनता से दिवाली की हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ। और मैं परमपिता परमात्मा से अरदास करता हूँ कि भगवान सबको खुश रखे और सबको सब फले और फूले। दिवाली का त्यौहार एक खुशियों का त्यौहार है। इसी रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास भोगकर अयोध्या वापिस आए थे, जनता ने खुशियाँ मनाई थी। तो जिस प्रकार रामचंद्र जी का आने पर लोगों ने खुशियाँ मनाई थी, उसी प्रकार से मैं भी अरदास करता हूँ कि सब जनता से कि इस त्यौहार को हंसी खुशी से बनाए। इतना मैं जनता से ये संदेश देना चाहता हूँ कि आजकल जो प्रदूषण जो हो रहा है, तो प्रदूषण में सभी के लिए हानिकारक है। तो इसलिए कम से कम पटाखों का प्रयोग करें और आतिशबाजी ज़्यादा ना करें, और वैसे मिठाइयाँ आपस में बांट करके खुशियाँ मनाएं। सभी को मेरी तरफ से दोबारा फिर दिवाली गौरधान भैया दूज सभी को मेरी तरफ से मुबारक हो और हार्दिक बधाई हो। पावन की टीम बिल्कुल आराम से इंतजार करते हैं, यहाँ तक पहुंचे वीरेंद्र बिलावल जी, हमारे माधव पावन के हमारे चेयरमैन नगर पालिका के भाई वीरेंद्र जी, हमारे भाई राजपाल जी, जो अपना मुख्यमंत्री जी सुंदर पीछे लगा सुंदर माफी सैनी रवि लखा जी ये बावल के अंदर एक इतिहास रचा गया है। अभी उपचुनाव में एक पार्षद के वोट में उपचुनाव था, वहां पर अपनी टीम जीती है। मैं बधाई दूंगा बीजेपी को, किसी ने एक बार ललित जी साहिब की तो बात करा, ठीक है साहिब जी जरा जाओ। कोई बात नहीं, आचार संहिता को हटा के आचार संहिता चिंता ना करो, जो हो गया हो गया। ठीक है चेयरमैन साहब। मैं डॉक्टर आरबी यादव हॉस्पिटल से डॉक्टर आरबी यादव आप सभी को 5 दिवसीय प्रकाश पर्व श्रृंखला धनतेरस यम दीपदान दिवाली गोवर्धन एवं भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां देता हूं। प्रभु श्री गणेश एवं लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, आप और आपके परिजनों के जीवन में सुख शांति और समृद्धि का वास बना रहे। साथ ही साथ आपसे एक निवेदन है कि हम सब पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए प्रदूषण मुक्त दिवाली और त्यौहार मनाएं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर करतार सिंह यादव अपनी तरफ से व अपने प्रतिष्ठान शांति यादव अस्पताल व शांति यादव डायग्नोस्टिक सेंटर गढ़ी बोलनी रोड रेवाड़ी की तरफ से अपने क्षेत्रवासियों को सभी को दीपावली की शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ। आप हमारे सभी लोगों की दिवाली शुभ और मंगलमय हो, सभी पे लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। सभी से निवेदन है कि दिवाली के त्यौहार को प्रदूषण रहित मनाएं और खुशी खुशी मनाएं। दोबारा मेरी तरफ से दिवाली की सभी को शुभकामनाएं, धन्यवाद। डॉक्टर कृष्ण पाल यादव विजय डेंटल केयर से मैं सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सभी दीपावली पे अपने घर रहें, अच्छे साफ सुंदर अपने साफ सफाई रखें, अपने आसपास हरे पटाखे जलाएं, ज़्यादा पोल्यूशन ना करें और मिठाई खाकर अच्छे से सबके साथ दिवाली मनाएं। धन्यवाद। और जैसे दीपावली के बाद जिस गोवर्धन छठ पूजा, मैं अपनी तरफ से उनकी भी सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सब अच्छे से सबके साथ मिलजुल के अच्छे से त्यौहार मनाएं। धन्यवाद। भावल विधानसभा से सभी साथियों से अपील करता हूं कि दिवाली को अच्छे से मनाएं, प्रदूषण ना फैलाएं और मिठाई का प्रयोग कर अच्छे से दिवाली का त्यौहार मनाएं। यही मैं सब साथियों से अपील करता हूं। आने वाली भैया दूज छठ पूजा, इसमें वो अच्छे से मनाएं। जय हिंद।
दोबारा आप सभी को मेरी तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं, धन्यवाद। मैं नीतू अनेजा, चेयरपर्सन अनेजा स्कूल्स, सबसे पहले मैं आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हमें यह त्यौहार बहुत ही विनम्र और भाईचारे के तरीके से मनाना है। हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं कि बहुत ही प्रदूषण फैला हुआ है, तो इसमें सबने सहयोग करना है। घरेलू पटाखे चलाकर हमें इस रोशनी के परिवार में सबको खुशियाँ देनी है और प्रदूषण रहित दीपावली को मनाना है। और साथ ही साथ हमें भाईचारे का संदेश देते हुए अपने सभी ज़रूरतमंद साथियों का भी सहयोग करना है। जो भी दीपावली से संबंधित कुछ भी आइटम वो रोड साइड सेल कर रहे हैं, तो हमें कुछ ना कुछ ज़रूर खरीदना है ताकि उनका भी यह पर्व बहुत ही खुशियों भरा हो। तो इसके साथ साथ वंस अगेन दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं राकेश भाटुटिया, व्यापार मंडल प्रधान नया बाजार का हूँ, और मैं सभी शहरवासियों और सभी ग्रामवासियों को बताना चाहता हूँ कि दिवाली के अवसर पर पटाखे न चलाएं। प्रदूषण बहुत भारी प्रदूषण हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत आती है। और दिवाली के अवसर पर भैया दूज गोवर्धन और दिवाली पे सबको शुभकामनाएं देता हूँ। अच्छे से दिवाली बनाएं और अच्छे से अपने घर पे खुशी के त्यौहार मनाएं और दिवाली पे पटाखे नहीं चलाएं। सभी शहरवासियों की शुभकामनाएं इसी के साथ शुभकामनाएं देता हूँ। मैं निकी राम यादव, सरपंच गाँव अकबरपुर, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। मैं दिवाली के पावन पवित्र त्यौहार पर ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों, प्रदेशवासियों व सभी देशवासियों को दिवाली में गोवर्धन की पूजा पर पूरे सभी को साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। घर मिल के दिवाली मनाए भाईचारे, ये त्यौहार अपने भाईचारे का प्रतीक है। यहाँ जिस तरह हमारे बड़े बुजुर्ग मनाते आए उसी तरह से बिना प्रदूषण रहित त्यौहार को मनाए, पटाखे का कम से कम उपयोग करें व मिठाई व फल ज़्यादा इस्तेमाल करें, धन्यवाद। चंदपुर भावी प्रत्याशी बावल हल्का कांग्रेस पार्टी, मैं सभी तो अपने हल्का निवासी देश प्रदेश को दिवाली भैया दोज गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं अपनी तरफ से संदेश ये देना चाहता हूँ कि पटाखे उठाखे इससे कम से कम चलाए ताकि प्रदूषण ना हो और भाईचारा से त्यौहार मनाए। हाँ, त्यौहार मनाए हंसी खुशी से रहे। मेरी तरफ से सभी हल्का वासियों और प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद। सुरेश शर्मा बोलता हूँ मैं, ये दिवाली के इस उपलक्ष्य में सभी को ना शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ कि मेरे वार्ड में, शहर में, देश में दिवाली अच्छी ही मने। दो तीन साल से काफ़ी दिवाली हल्की मनी है, इस साल मेरे को लगता है लोगों में उत्साह है और अच्छी दिवाली मन रही है। और उनके हर वार्ड में मोहल्लों में काम भी अच्छे हुए हैं। मेरे वार्ड में भी कम से कम अच्छे कैनल रोड बने, RCC के रोड काफ़ी बने हैं, लाइटें भी लगभग सारी सही होगी, फ्लाई ओवर वगैरह की। और ITI के बाद मैंने आज एक राउंड लगाया था, तो ITI के बाद भी लगभग 80% लाइटें बड़ी वाली जो बड़ी लाइटें वो सुल्तान लाइटें जो ओकी होगी सही हो गई हैं, तो बढ़िया चल रहा है। और चेयरमैन के और जो जितने पास में मिलजुल के कैनल चल रहे हैं अच्छे कर संबंध है। थोड़ी बहुत तो घर में कर परिवार में जो हो जाती है उसका भी सोल्यूशन हो जाएगा 2-4 दिन में 10 दिन में, तो लेकिन बहुत मिलकर मिलजुलकर अच्छा काम हो रहा है शहर में। मेरे वार्ड में तो बहुत बढ़िया काम हो रहा है और लोग मिल के मिलाएँ, हंसी मजाक उत्साह से मनाएँ सभी, और आने वाला जीवन वर्ष के अच्छा रहे। हाँ, बाकी क्या नाम, आजकल जो ना पटाखे चलाने का टाइम नहीं है क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, 400-500 चक के पोल्यूशन हो चुका है, रेवाड़ी घड़क भी यही हो जाएगी। अगर हम पोल्यूशन की तरफ थोड़ा ध्यान दें, बच्चों को समझाएं कि पटाखे ना बजाएं तो अच्छी बात है, फिर भी बच्चे नहीं माने छोटे पटाखे ला दो उनको, और एक दिन ही 2 घंटे जो अलाउ कर रखे 8 से लेकर 10 बजे तक, उसी टाइम पटाखों का इस्तेमाल करने करें। ये तो बड़ों का ही फर्ज बढ़ता है बच्चों को समझाना, और सब लोग शांति का प्रदान करें देश को आगे करना।